पहली बात, क्योंकि यही दिक्कत है कि क्या कहते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिख गए हैं, वो हमारे ग्राउंड लेवल से कनेक्टेड ही नहीं है। अगर वो हमारे ग्राउंड लेवल से हमारे जो गांव के भाई बहन हैं उनके साथ वो जुड़े रहते तो शायद वो समझ पाते कि हम की जनता क्या चाहती है। वो आदमी विदेश से पढ़ा हुआ क्या जाने कि हमारी जिसको सब सारी सुख सुविधाएँ मिली हुई हैं बचपन से, तो वो क्या जाने गरीबों की गरीबों को क्या चाहिए। ये कि पूरे देश में फ्री में सभी को दो दो तीन तीन बार वैक्सीन लगवाना, क्या महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए? तो वैक्सीन लगवाना तो सरकार की जिम्मेदारी थी। क्या राहुल गांधी की सरकार होती तो फ्री में सबको लगवा देती? चलो फ्री में छोड़ो, सबको लग जाती वैक्सीन। पोलियो का टीका तो लगवाया था ना कांग्रेस की सरकार। हाँ वो पता है, वो एक ही काम किया है। एक ही काम? हाँ वो एक ही काम किया है। आज हम गरीब जो चल रहा है उनका, उसके भी हम प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं। कई सारे 370 जम्मू कश्मीर से, जो कि ऐसे ऐसे काम जो कि हमने कभी नहीं सोचे थे। मतलब मैं भी जब छोटी थी तो पढ़ती थी, एक भैया थे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, अरे ये काम तो कभी नहीं, ये राम मंदिर 370 ये तो कभी ना सुलझने वाला मुद्दे हैं, बट आज देखो। अभी हम लोग हैं एमपी से, बट नोएडा में पढ़ाई करने आए। चलिए, एमपी के रहने वाली जी। कुछ महीने में देश में चुनाव है, राजनीति से थोड़ा बहुत जी जी, रखती हैं। जी जी। चलिए, कुछ महीने में चुनाव है पूरे देश में, क्या लगता है क्या होने वाला है? एज यूजुअल मोदी की गवर्नमेंट ही आएगी ऑब्वियसली, जैसे कि लोगों की क्या कहते हैं वोट है और लोगों की चाहत है उनके लिए, तो यही इससे बात साफ होती है कि मोदी की लहर सब में छाई हुई है, तो मोदी है। मोदी की लहर क्यों, क्यों क्या रीजन है? ये सब अगर हम खुद ही देखें, हाँ ये सब हम खुद ही देखें, तो अगर आज हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए, और या कह लो कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको बचाए रखने के लिए अगर आज हम खड़े हैं, तो इसमें मोदी गवर्नमेंट का क्या कहते हैं बड़ा योगदान है, वरना हम तो डूब तो हम 2007 में जान जाने वाले थे। अच्छा, आपने कहा डेमोक्रेसी बचाने का काम मोदी सरकार कर रही है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र को खतरे में ला दिया है। लोग तो कहेंगे ही, हम तो जनता की सुनते हैं, हम लोगों की पर्सनल ओपिनियन थोड़ी ना सुनेंगे। राहुल गांधी तो नेता है ना, विपक्ष के नेता हैं, उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? सपोर्ट तो मोदी को कर रहे हैं। किससे भी पूछे इधर कौन है कांग्रेस सपोर्टर, एक बार हाथ उठा दीजिए, कौन है इधर कांग्रेस सपोर्टर? मुझे तो नहीं दिख रहा इधर कोई भी। कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा, राहुल गांधी को क्यों नहीं पसंद करते हैं लोग? पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, सामाजिक भेदभाव मिटाने की बातें करते हैं, तो राहुल गांधी को क्यों नहीं पसंद करते? पहली बात, क्योंकि यही दिक्कत है कि क्या कहते हैं वो कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिख गए हैं, वो हमारे ग्राउंड लेवल से कनेक्टेड ही नहीं है। अगर वो हमारे ग्राउंड लेवल से हमारे जो गांव के भाई बहन हैं उनके साथ वो जुड़े रहते तो शायद वो समझ पाते कि हम की जनता क्या चाहती है। वो आदमी विदेश से पढ़ा हुआ क्या जाने कि हमारी जिसको सब सारी सुख सुविधाएँ मिली हुई हैं बचपन से, तो वो क्या जाने गरीबों की गरीबों को क्या चाहिए। और जो बंदा जो चाय बेचता है उसको ज्यादा मालूम होगा कि उस पर क्या बीती है और उसकी के जैसे भाई बहनों पे क्या बीती है। अच्छा, मोदी सरकार के दो तीन काम बता सकते हैं आप? सामने आ जाइए, बोलना है तो। देखो राम मंदिर, बट ये मैं कहूंगी कि ये एक पर्सनल भी हो सकता था, पर ठीक है। हमारी जो GDP है कंट्री की वो टॉप 6 में आ चुकी है। दूसरी बात ये है कि हम स्वच्छ भारत देख रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान अभी इतनी अच्छी तरह हुआ नहीं है वो मैं मानूंगी, बट लोगों में ये जागरूकता होना, मैं खुद इंदौर से हूँ, इट्स द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया वी ऑल नो। और तीसरा हम कह सकते हैं यही कई सारे 370 जम्मू कश्मीर से, जो कि ऐसे ऐसे काम जो कि हमने कभी नहीं सोचे थे। मतलब मैं भी जब छोटी थी तो पढ़ती थी, एक भैया थे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, अरे ये काम तो कभी नहीं, ये राम मंदिर 370 ये तो कभी ना सुलझने वाला मुद्दे हैं, बट आज देखो मैं बड़ी हूँ और अब मैं इसको पढ़ूंगी। मतलब हमारे आगे वाले जनरेशन है वो इसको पढ़ेगा कि कैसे कैसे खत्म हुआ इसका। अच्छा, क्या 2024 चुनाव में राम मंदिर ही मुद्दा होने वाला है, 370 ही मुद्दा होने वाला है, महंगाई बेरोजगारी शिक्षा स्वास्थ्य मुद्दा होगा या फिर? ये तो मुद्दे निपट चुके हैं। हाँ, और शिक्षा को लेकर कई सारी जागरूकता आ रही है, ये कुछ मुद्दे हैं जो कि मैं कहूँगी कि काफ़ी बड़े हैं जिन पे काम चल रहा है, तो ये भी उनकी टू डू लिस्ट यू कैन से विल बी इंक्लूडेड। आप मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है देश में? महंगाई
बीइंग अ मिडिल क्लास में महंगाई बढ़ी है, बट आप बताइए कि पूरे देश में फ्री में सभी को दो दो तीन तीन बार वैक्सीन लगवाना, क्या महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए? तो वैक्सीन लगवाना तो सरकार की जिम्मेदारी थी। क्या राहुल गांधी की सरकार होती तो फ्री में सबको लगवा देती? चलो फ्री में छोड़ो, सबको लग जाती वैक्सीन। पोलियो का टीका तो लगवाया था ना कांग्रेस की सरकार? हाँ वो पता है, वो एक ही काम किया है। एक ही काम? हाँ वो एक ही काम किया है। अच्छा हम गरीब जो चल रहा है उनका, उसके भी हम प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं।